हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ आलू और सूजी से बने हुए नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 उबले हुए आलू लिए हुए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया, उसको हमने बारीक काट लिया है। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ली है, नमक स्वाद अनुसार लिया है। यहाँ पे हमने 1 छोटी कटोरी सूजी ली हुई है, इसे रवा भी बोलते हैं, जो बारीक वाला आता है हमने वो लिया है। और एक पतीला गर्म किया है, उसमें हमने रवा डाल दिया है। इसे हम 1 मिनट तक धीमी आंच में ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का सा इसी तरह हम चलाते रहेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसे हमें भून लेना है। तो रवा अच्छी तरह से भून चुका है और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें इसमें कोई लम्स ना पड़ने पाए, इसलिए हम इसे चलाते भी रहेंगे। और गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है और हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक ही डालना है हमें। और 1 चम्मच तेल डाल देंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पे इसे हम चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से। और अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है, पकने लगा है इस तरह से। जिस तरह से हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे भी पकाना है। और जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। और हमें गैस की आंच को धीमा ही रखना है, मीडियम आंच पे ही हम इसे पकाएंगे। गैस को तेज नहीं करना है, नहीं तो ये तले से लगने लगेगा बर्तन के और जल जाएगा, इसलिए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से। और आप देखेंगे अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है हलवे की तरह। तो ये देखिए अब हम गैस को बंद करेंगे और ये अच्छी तरह से पक करके रेडी है और अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो गया है, ये देखिए। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसका हम यूज करेंगे। आप चाहें तो इसे एक प्लेट पे भी फैला करके रख सकते हैं। तो हमारी सूजी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमने उबले हुए आलू लिए हुए थे उसको हमने किस लिया है, आप चाहें तो उसे मैश भी कर सकते हैं, किसने से उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं। और अब हम सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, हाथों से आटे की तरह, जैसे हम आटा लगाते हैं, मिला लेंगे। और अब उसमें हम आलू मिक्स कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथों से ही हम इस तरह से मिलाएंगे जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें हम धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक हमने स्टार्टिंग पे सूजी पे भी डाला था, इसलिए हमें नमक कम यूज करना है। और अगर आप ये बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो उसमें हरी मिर्च यूज ना करें। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला देंगे। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे कि सूजी हाथों में चिपके नहीं। और हम थोड़ा सा सूजी लेकर के इसकी लोई बनाएंगे पेड़े की तरह। और अब हम जैसा भी आप नाश्ते में बनाना चाहते हैं उस तरह का हम शेप देंगे। तो यहाँ पे हम स्लैब पे इसे करेंगे, आप चौकी में भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से इसको लंबाई में बेल लिया है और अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे। आप अपने मनपसंद के शेप और साइज में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप उसमें से भी कई तरह के शेप दे सकते हैं, स्टार वाला शेप भी दे सकते हैं आप। और सेम इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे।
अब हम गोल शेप पे बना लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हम टिक्की या पेड़ा बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमने बना लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और बाकी के बचे हुए सूजी का भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तेल को हमने मीडियम आंच पे गर्म कर लिया है और अब हम सारे फ्राइज इसमें डाल देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म है और हमें तेल को मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है, नहीं तो ये डालते ही हम जैसे ही फ्राइज डालेंगे वो सारे लाल हो जाएंगे लेकिन अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे। और अभी जब तक तेल का बबल्स कम नहीं होते हमें इसे चलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो तेल में बबल्स कम हो चुके हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे और दोनों साइड से हम इन्हें फ्राई करेंगे और इनको हल्का लाल कलर आने तक हमें इसे पकाना है मीडियम आंच पे ही। तो अब आप देखेंगे इनमें अच्छा कलर आ चुका है और ये पक भी चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे हुए फ्राइज भी हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने कुछ छोटे साइज में भी बनाए हुए हैं। सेम उसी तरह से हमें इन्हें भी फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। गैस को हमें तेज नहीं करना है नहीं तो ये जलने लगेंगे। और अब हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके, तो इन्हें हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर तैयार है और आप इसे सॉस या चटनी के साथ भी, किसी के भी साथ में आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।